का क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं नीचे सरोज आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ के निमाजाबाद तहसील के अंतर्गत राहुल पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आयोजित निमाजाबाद महोत्सव का शुभारंभ आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ कनक त्रिपाठी जिला अधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में शहीद मनोज पांडे की माता विमला देवी, शहीद सिनोज कुमार की माता कौलपति देवी तथा शहीद सुनील यादव की प्रतिनिधि प्रमिला यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसी के साथ ही वरिष्ठ कलाकार सुबेदार यादव व भगलू लाल गोड द्वारा मंच का फीता काट कर शुभारंभ किया गया। आयुक्त महोदय व जिला अधिकारी महोदय द्वारा कृषि विभाग, बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल, ब्लैक पॉटरी, टेराकोटा उद्योग NRLM के स्टॉक का अवलोकन किया गया। निमाजाबाद महोत्सव की शुरुआत गणेश वंदना के साथ प्रारंभ हुई। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए जो काफी मनमोहक रहे तथा एक निमाजाबाद के इतिहास पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में निजामाबाद की इमारत, ऐतिहासिक धरोहरों को समाहित किया गया। आयुक्त तथा जिला अधिकारी द्वारा खेल महोत्सव, रंगोली, मेहंदी, चित्रकला महोत्सव का अवलोकन किया गया। इस महोत्सव में सांस्कृतिक नृत्य गायक लहा बिरहा, जंगिया, जोगरिया, पवरिया, धोबिया, कुश्ती, रस्सा कस्सी, खो खो, कबड्डी, लंबी दौड़, शहीद सम्मान समारोह, नगर कीर्तन, कवि सम्मेलन, रात मुसारा, झांकी, रंग मेहंदी, पेंटिंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम करना बहुत ही सराहनीय है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने से गांव के प्रतिभाओं को मंच मिलता है। इसी के साथ ही जिला अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी समाज का अस्तित्व तभी रहता है जब समाज में अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को संजो कर रखता है। हमें युवा पीढ़ियों को सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जनता का है, इसको कराने में आप सभी का सहयोग जरूरी है। आयुक्त महोदय तथा जिला अधिकारी द्वारा शहीद मनोज पांडे के पिता त्रिभुवन पांडे, माता विमला देवी, शहीद सिनोज कुमार के पिता तूफानी राय, माता कौलपति देवी तथा शहीद सुनील यादव के प्रतिनिधि प्रमिला यादव को शाल व तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। इसके उद्देश्य हुआ है निजामाबाद और आजमगढ़ के अंदर जो तहसीलें हैं उस स्वयं में बहुत ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है। नई पीढ़ी को जागरूक करने की जरूरत है, उस उद्देश्य किया गया था। जहाँ तक मेहनत का प्रश्न है, स्थानीय जनता ने स्वयं इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मान लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता किसी अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता है। सहज रूप से कार्यक्रम आयोजित सर, जैसा यहाँ के लोकल विधाओं से ही जो जानकार इसलिए सूबेदार यादव हैं, कमलेश यादव हैं, या जो विधवा हैं जो हमारे शहीदों की या उनके परिवार जन हैं, उन्हीं से इसका उद्घाटन कराया गया है। मंडलायुक्त और हम यहाँ पर आयोजक के सदस्य के रूप में उपस्थित हैं। जनता का है, जनता द्वारा आयोजित है, उसके सिर्फ इनिशिएट करने वाले। आजमगढ़ से शिव गोविंद उपाध्याय की एक रिपोर्ट।